गुड मॉर्निंग तुषांत सर। सर, मैं आपसे अपने मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज ऑन इकोनॉमी की कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। सर, थैंक यू कि आपने मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज ऑन इकोनॉमी को लॉन्च करा, क्योंकि सर ये ऐसी कोर्सेज हैं जो आपने हम लोगों को पढ़ाया है। सर, इकोनॉमी पहले भी पढ़नी थी, इकोनॉमी आज भी पढ़नी है, पर सर डिफरेंस है आपसे पढ़ने से पहले की सोच और आपसे पढ़ने के बाद की सोच। सर, ये बिल्कुल डिफरेंट है। इकोनॉमी पहले सिर्फ सिलेबस में थी, बुक्स में थी, कॉपीज़ में थी, बट अब जब से आपने पूरी इकोनॉमी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी क्लासेस को एंड करा है, तब से सर ये सारी की सारी इकोनॉमी हमारे आस पास घूम रही है। ऐसा अब वो सिर्फ सिलेबस में सीमित नहीं है, कॉपियों में सीमित नहीं है। अब जब मैं रोड पे निकलती हूँ, जब ये गाय वगैरह या फिर बकरी वगैरह दिखता है, तो सर वो सिर्फ गाय और बकरी नज़र नहीं आती। उस वक्त दिमाग में ये आता है, अच्छा ये लाइफ स्टॉक है, फार्मर का एक और इनकम सोर्स है, इससे फार्मर्स अपने इनकम को जनरेट करते हैं, ये दूसरा सोर्स है, और भी ऐसे बहुत सारे चीज़। उससे फिर फार्मर याद आ जाते हैं, फार्मर से फिर ये याद आ जाता है कि कितने मार्जिनल फार्मर हैं, कितने स्मॉल फार्मर्स हैं, कितने लार्ज फार्मर्स हैं। सर, ये सारे जब फिर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को देखती हूँ, किसी स्कूल बिल्डिंग को देखती हूँ बनते हुए, कोई मॉल देखती हूँ, तो उस वक्त ये याद आता है, अच्छा ये कैपेक्स हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है। जब कोई पुल तैयार हो रहा है और उसमें डीले हो रहा है, वो अपने लिमिटेड टाइम पे पूरा नहीं होता, तब याद आता है ये हमारा आयक और बढ़ा रहा है। सर, ये थैंक यू सर, आपने हम सब की सोच को इतना चेंज करा। बाकियों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी सोच तो बहुत ही चेंज हो चुकी है। अब इकॉनमी मेरे लिए सड़कों पर आ चुकी है, मेरे आस पास आ चुकी है, सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस।